एक पेट्रोल पंप, वहां पर खड़ी एक पिकअप वाहन और दूसरी तरफ खड़ी एक इनोवा कार और वहां पर मौजूद कुछ ग्राहक और पेट्रोल पंप कर्मी। पहली नजर में देखने सुनने में तो ये किसी भी सामान्य से पेट्रोल पंप का दृश्य लगता है, लेकिन इसके बाद जो होता है वो किसी की भी रूह कपाने के लिए काफी है। पेट्रोल पंप पर लोग अपने वाहन में ईंधन भरवाने जाते हैं ताकि उनके वाहन में जान फूंक सके, लेकिन इस पेट्रोल पंप पर मौजूद लोगों ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि तेल भरवाने के चक्कर में इन्हीं की जान पर बनाएगी। सीसीटीवी कैमरे में जो कैद हुआ वो देखने में इतना भयानक लग रहा है, तो कल्पना कीजिए कि हकीकत में उन लोगों पर क्या बीती होगी जो वहां पर मौजूद होंगे। चलिए अब आपको पूरा घटनाक्रम बताते हैं। दरअसल बुधवार की शाम मेरठ की सोहराब गेट डिपो की एक रोडवेज बस बिजनौर में बैराज मार्ग के पेट्रोल पंप पर पहुंची। डीजल डलवाने के चक्कर में ड्राइवर ने स्पीड ही कम नहीं की और तेज गति में बस ने वहां पर मौजूद पिकअप को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप गाड़ी डीजल मशीन से टकरा गई और दोनों मशीनें उखड़कर दूसरी ओर खड़ी इनोवा कार पर जा गिरी, जिससे कार में सवार परिवार की चीख पुकार मच गई। बस में सवार यात्री भी चिल्लाने लगे। टक्कर के वक्त किसी तरह वहां पर मौजूद पेट्रोल पंप के कर्मियों ने सूझबूझ के चलते अपनी भाग कर जान बचाई। हालांकि पिकअप वाहन का चालक घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन गनीमत ये रही कि इस हादसे की वजह से पंप पर आग नहीं लगी, वरना बड़ा हादसा भी हो सकता था और भारी जानमाल का नुकसान भी हो सकता था। ये बस के ब्रेक फेल हुए हैं और पंप वाले ने, उस बस वाले ने यहाँ पे लाके गुजर दिया बस। अच्छा, कितने का नुकसान होगा? लगभग हमारा 4-5 लाख रुपए नुकसान है। अच्छा, इसमें कोई घायल? घायल कोई नहीं है, एक जो मैक्स का ड्राइवर है वो घायल है, वो हॉस्पिटल में भर्ती करा दे रहा है। अच्छा, ये जो बस ड्राइवर था ये कहाँ गया? ये भाग गया, ये कूद के भाग गया। बताया जा रहा है कि ये बस मेरठ से हरिद्वार के लिए जा रही थी और बस की रफ्तार का अंदाजा मात्र ही लगाइए, क्योंकि इसने पेट्रोल पंप की मशीनों तक को उखाड़ दिया। मशीनें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे पेट्रोल पंप मालिक को लाखों रुपए का नुकसान हो गया। मामले की जांच करवाई जाएगी।